दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्थानीय बाजार में जिस प्रकार कुछ दफ्तरों व विभिन्न बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना संक्रमण कभी भी अपना जलवा दिखा सकता है। मंगलवार को बिजली बिल भरने की अंतिम तारीख होने के चलते बिल जमा करवाने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ करसोग पहुंची। कुछ बैंकों के बाहर कतारें भूलकर कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए बस अपना काम करवाने की होड़ में लगे हुए थे। हालात ये हैं कि करसोग बाजार में भी कई स्थानों पर भीड़ लग रही है। हालांकि करसोग प्रशासन व पुलिस बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस बनाओ, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि वे मानने को तैयार नहीं हैं। आज करसोग बाजार में इलेक्ट्रिसिटी के बिलिंग ऑफिस और विभिन्न बैंकों के सामने काफी भीड़ एकत्र होने का एक शिकायत मिली है और पता चला है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस जो नॉर्म है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो कोविड के खतरे के लेकर एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको आदेश दिए गए हैं कि एरिया वाइज डेट फिक्स की जाए ताकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो और सभी बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशन और ऑफिसेस को भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ऐसी भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो पुलिस की गश्त के दौरान यदि कहीं भी पाया जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या जी? लालमन गुप्ता। ये जो बिजली बिल जमा करवाने वालों की भीड़ लगी है, इसका समाधान क्या है? समाधान तो इसका ये होना चाहिए कि कम से कम कि हर जगह के जितने भी ट्रांसफार्मर है उनकी अलग अलग डेटें तय की जाए, तभी सोशल डिस्टेंस बन पाएगा। ऐसे तो सभी लास्ट डेट में आएंगे, पिछले कल छुट्टी थी उस छुट्टी की वजह से भी आज यहाँ आए थे, सोशल डिस्टेंस को फर्क पड़ा है और लोगों ने बिल जमा कराना है। मतलब आपको ये है कि भी क्षेत्र वाइज इनको बांटना चाहिए कि भी आज फलानी जगह के जमा होंगे। जी जी, तो ताकि जो है तो हर जगह के बड़े सोशल डिस्टेंस भी रहे और भीड़ भी ना हो और लोगों को सुविधा भी हो। पर आज तो सोशल डिस्टेंस है नहीं है। आज नहीं है कोई सोशल डिस्टेंस, आज तो मजबूरी है लोगों की, क्योंकि पिछले कल छुट्टी थी उस छुट्टी की मजबूरी से आज जो है तो सब इकट्ठे हुए हैं, बिल देना ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।